मेरे होटल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके बीच एक न्यू डिश लेके आया हूँ, इसको बोलते हैं बर्मीज खाउ से सूप। तो बिना कुछ देर के चलो मैं वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। तो आप लोग मेरे चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलो वीडियो की तरफ। सबसे पहले दोस्तों मैंने गैस चालू किया, तो मेरा गैस चालू हो गया। इसके बाद मैंने 1.5 स्पून ऑयल डाला, गरम तेल ऑयल लिया। मैंने तब तक इसका वेट किया जब तक ये गर्म ना हो सका। तो मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। मैंने ये लिया चॉप ओनियन, सबसे पहले चॉप ओनियन डाला। ये लिया थाई जिंजर और लेमन ग्रास को डाला। उसके बाद मैंने ये लिया चॉप गार्लिक, ये लिया चॉप अदरक। तो इसको कुछ अच्छे से साउते किया। ये मेरा हो रहा है साउते, तो थोड़ा ब्राउननेस कलर आने के बाद मेरा ये ब्राउननेस कलर आने के बाद तक मैं वेट करूँगा। मेरा ब्राउन कलर ऐड कर दिया। अब इसमें दोस्तों मेरा ये है बेसन, ठीक है। मैं इसको बेसन, इसके लिए इसमें तना कंट्रोल जाता है मैंने का, ये मैंने बेसन लिया और मैं बेसन को भी अच्छे से भूनूंगा। आपको लग रहा है कि थोड़ा ऑयल थोड़ा कम है, थोड़ा मैं थोड़ा ऑयल और ऐड कर ले रहा हूँ आराम से, और स्लो गैस स्लो फायर में होना चाहिए। दोस्तों मैं येलो करने के लिए इसमें डालूंगा हल्दी पाउडर। ये लिया मैंने हल्दी पाउडर। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूंगा। तो मेरा हल्दी पाउडर भी डाल दिया मैंने। अब इसको कुछ और देर मैं इसको ब्राउनिश कलर में लाऊंगा और देर भूनूंगा। अब मैं लूंगा इसमें सादा पानी, 1 लीटर और 2 लीटर, 2.5 लीटर के लिए सादा पानी ले लिया मैंने। सादा वाटर लेने के बाद लूंगा रेड चिल्ली पेस्ट, जो कलर के लिए हम लोग यूज करते हैं कश्मीरी चिल्ली पेस्ट का बनता है। ये लिया जो धनिया पेस्ट, धनिया के लिए ये लिया दोस्तों मैंने एरोमेटिक पाउडर। ये मेरा शुगर का जो पाउडर है, शुगर पाउडर। ये लिया सॉल्ट, नमक लिया थोड़ा। मेरे को लग रहा है कि मैं इसका भी ये ग्रीन चिल्ली मैंने मंगाया हुआ है, ग्रीन चिल्ली स्टॉक ले लिया। तो मैं तब तक इसको पकाऊंगा, तो जब तक ये अच्छे से इसका स्टॉक ना बनाए। ये मिनिमम है कि 10 मिनट पकेगा अच्छे से, तब तक मैं इसका वेट करूँगा। अब इसमें है दोस्तों मेरा कोकोनट मिल्क पाउडर। अब मैं इसको कोकोनट मिल्क पाउडर मैंने ले लिया, कोकोनट पाउडर एक और ही लिया, तो ये लिया कोकोनट मिल्क पाउडर। अब इसको अच्छे से पकते रहेगा तब तक मैं इसका वेट करूँगा पूरा, तभी इसका एक अच्छा फ्लेवर अच्छा स्टार्ट है। ये लिया दोस्तों मैंने मद्रास करी पाउडर। अब मैं इसमें मद्रास करी पाउडर ऐड करने जा रहा हूँ। तो मेरा मद्रास करी पाउडर ऐड करने के बाद थोड़ा और अच्छे से इसको मिक्स करूँगा, ताकि मेरा एक अच्छा फ्लेवर और अच्छा एक कलर आएगा। तो कुछ और देर पकूँगा तो थाई जिंजर, लेमन ग्रास और धनिया और जिंजर सब चीज का एक अच्छा फ्लेवर आएगा। तो पकने के बाद मेरा हाउस रेट है, थोड़ी देर और पकाऊंगा। मेरे खाउसे को पकते पकते आफ्टर 10 मिनट हो चुका है और अपने आप ही ठीक हो गया। मैंने कंट्रोल डाला ना, कुछ डाला तो मेरा खाउसे रेडी हो चुका है। तो आज मैं इसको दोस्तों स्टैंड करूँगा। इसको एक छन्नी लिया और छन्नी में स्टैंड करने जा रहा हूँ। छन्नी में स्टैंड करके अच्छे से इसको स्टैंड करूँगा, जो इसका गार्लिक जिंजर बचा हुआ है स्टॉक है प्रिपरेशन करूँगा इस तरह की तैयारी पर। सबसे पहले दोस्तों मैंने ये डाला खाउसे का जो सूप है, सूप लिया। उसके बाद दोस्तों मैंने इंग्लिश एग्जीक्यूटिव वेजिटेबल, मेरे पास सारे होते हैं ब्रोकोली, पॉकचे, चाइनीज कबेज, सारे के सारे वेजिटेबल हैं। ये वेजिटेबल डाला, ये मेरे पास नूडल है, ये नूडल लिया एक एक साइड में डाल चुका। इसके बाद पीनट क्रश लिया। ये लिया चिल्ली फ्लेक्स लिया। ये दोस्तों मेरे पास फ्राइड ओनियन है, ये मेरे पास फ्राइड गार्लिक है, मेरे पास एक कोरिंडर है और ये मेरे पास ये स्प्रिंग ओनियन हो चुका है।
इसका चिल्ली ऑयल से इसका गार्निशिंग करते जा रहा हूँ। तो ये लिया मैंने चिल्ली ऑयल से, इसका मैंने गार्निशिंग किया।